आपने बाप बेटे के प्यार पर आधारित कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन एनिमल फिल्म में इस प्यार को दिखाने का तरीका इतना अलग है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये प्यार है या पागलपन। और इस फिल्म में क्या क्या खास बात है बताऊंगी इस रिपोर्ट में। इस फिल्म की लंबाई काफी ज्यादा है, जो इस फिल्म को शोले और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों की कैटेगरी में शामिल करती है। फिल्म 5 भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हो रही है। अत्यधिक खून खराबा, हिंसा और सेक्स वॉयलेंस होने के कारण फिल्म को ई सर्टिफिकेट दिया गया है। अब अगर कहानी की बात करें तो बलबीर सिंह यानी अनिल कपूर एक व्यस्त कारोबारी हैं, जो अपनी व्यस्तता के कारण अपने बेटे अर्जुन सिंह यानी रणवीर कपूर को बचपन में वो प्यार नहीं दे पाते जिसकी उसे जरूरत होती है। अर्जुन सिंह अपने मन में ये कड़वाहट लिए हुए हैं, लेकिन वह अपने पिता को जी जान से चाहते हैं और उन्हें कोई तकलीफ भी दे ये वो कतई सहन नहीं कर सकता। अपने इसी रवैये के चलते वह अपराध की दुनिया में कब कदम रख देता है उसे पता ही नहीं चलता। यहाँ उसका सबसे बड़ा दुश्मन है विराज सर्वे यानी बॉबी देओल। फिर शुरुआत होती है मार धाड़ और खून खराबे का सिलसिला, जो अंत में गैंग वॉर में तब्दील हो जाता है। फिल्म का अंत सुखद होगा या दुखद, इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। चलिए हम आपको एक्टिंग के बारे में बताते हैं। रणवीर कपूर ने इस फिल्म में शानदार एक्टिंग की है। एनिमल फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के तुरंत बाद से ही चारों ओर उनकी एक्टिंग की तारीफ हो रही है। बचपन में प्यार न मिलने के कारण उनके मन में पिता के प्रति कड़वाहट का पता हमें फिल्म के ट्रेलर देखकर ही चल जाता है। जब वे अपने चेहरे पर भाव लाकर डायलॉग बोलते हैं, सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ मैं, जबरदस्त है। इसके बाद एक खूंखार गैंगस्टर के रूप में और पारिवारिक रिश्तों की परवाह करने वाले बेटे के रूप में उन्होंने शानदार अभिनय का परिचय दिया है। फिल्म में रणवीर कपूर के पिता के रोल में अनिल कपूर ने भी बेहतरीन काम किया है। अनिल कपूर मंझे हुए एक्टर हैं, जिन्हें जो भी रोल दिया जाता है वे पूरी शिद्दत से करते हैं। इस फिल्म में काफी अरसे के बाद सुरेश ओबेरॉय भी नजर आए हैं। उन्होंने रणवीर कपूर के दादाजी की भूमिका निभाई है। रश्मिका मंदाना ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। रणवीर कपूर के अपोजिट बॉबी देओल ने भी एक्शन और एक्टिंग दोनों में ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। वह फिल्म में जचे हैं। हालांकि उन्होंने फिल्म में ज्यादा डायलॉग नहीं बोले हैं, लेकिन अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से कमाल की एक्टिंग की है। फिल्म में शक्ति कपूर और प्रेम चोपड़ा भी हैं, जिन्होंने शानदार एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी की है। फिल्म में तृप्ति दिमरी भी हैं, जो न सिर्फ देखने में अच्छी लगती हैं, बल्कि उन्होंने शानदार एक्टिंग भी की है। अन्य कलाकारों ने अपने अपने सपोर्टिंग रोल बखूबी निभाए हैं। निर्देशन की बात करें तो सुरेश बंदारू, सौरभ गुप्ता और परिणय रेड्डी वांगा द्वारा लिखी गई इस फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है, जो इससे पहले कबीर सिंह जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके हैं। स्क्रिप्ट को पर्दे पर बड़े भव्य रूप में प्रस्तुत करना उन्हें बखूबी आता है। तकनीकी रूप से भी संदीप काफी धनी है और सिनेमा की बारीकियों से भली भांति परिचित है। एक्टिंग के संदर्भ में कलाकारों से 100% काम लेना वह भली भांति जानते हैं। अपने इन तमाम गुणों को उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से साबित कर दिया है। इतने बड़े दिग्गजों के साथ काम करना स्वयं में एक चुनौती है, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को न सिर्फ स्वीकारा बल्कि बखूबी अंजाम भी दिया है। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो एनिमल फिल्म के गीत भूपिंदर बब्बल, मनोज मुंतशिर, सिद्धार्थ गरिमा, राजशेखर, मनन भरद्वाज, जानी और असीम ने लिखे हैं, और इसका संगीत मनन भरद्वाज, जाम विशाल मिश्रा और जानी ने दिया है। गीतों को अपनी आवाज सोनू निगम, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, बी प्राक ने दी है। फिल्म के गाने पहले से ही हिट हो चुके थे, जिनमें से बी प्राक द्वारा गाया गाना सारी दुनिया जला देंगे श्रोताओं को खास तौर से लुभा रहा है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि फिल्म दर्शकों को एक्शन और थ्रिल का नया अनुभव देती है, जिसके लिए आजकल के दर्शक खास तौर से इंतजार करते हैं।